चिकन्स, दिस इज माई वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस गाइज. वेलकम टू माई चैनल. आई एम सिद्धि, फैशन, ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉगर. इफ यू गाइज आर फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम, यू गाइज माइट मी नोइंग दैट आई पोस्ट कंटेंट रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड लाइफ स्टाइल. ऑल्सो देयर इज अ गिव अवे एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम गोना डू समथिंग रियली क्रेजी टुडे एंड मुझे लग रहा है मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से होने वाले. इट्स लाइक वो मुझे घर में आने ही नहीं देंगे. दे आर लाइक तूने ये क्यों करा लिया है, प्लीज़ तू ऐसा सब हमारे घर में नहीं चलता है. आई एम नो दैट वो बहुत गुस्सा होने वाला है, बट सिंस इट्स माई बर्थडे एंड मुझे बहुत टाइम से वो चीज़ करानी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है खुद को कि मम्मी पे कैसा लगेगा एंड ऑल दैट थिंग्स. बहुत सारे दिमाग में चीज़ें आ रही है, बट आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस. लाइक मुझे बस इट जस्ट आई वॉन्ट टू डू इट गाइज. मुझे ऐसा ना तुम लोगों से पूछना, तुम लोगों ने कभी ऐसी कोई चीज़ की है कि बस करा ली है एंड पेरेंट्स को बताई नहीं है? लाइक लिटरली मैंने तो बहुत सारी चीज़ें की है कि मैं जस्ट पूरा जब सब कुछ करके आती हूँ लाइक हेयर कलर एंड ऑल दैट एंड देन आके दिखाती हूँ कि मैंने ये किया है. सो इफ़ यू गाइज आर वन ऑफ देम, कमेंट डाउन बिलो गाइज. हाई फाई, आई एम वन ऑफ दैट स्क्वाड एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट. लाइक मैंने पूछा ही नहीं कि उनको कि मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ. मैं हमेशा हर चीज़ करा के आ जाती हूँ. इट्स लाइक जस्ट ट्रायल एंड एरर थिंग ऑल टू माई लाइफ. लाइक कभी कभी हो भी जाता है गलत चीज़ है, कभी कभी अच्छा भी लगता है. सो आई एम जस्ट सो नर्वस कि कैसा लगने वाला है मुझ पे गाइस. एंड इट्स माई बर्थडे तो मुझे ना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, बट स्टिल आई वांट टू डू दिस गाइस. सो आई एम ऑल सेट टू गो. दिस इज हाउ माई आउटफिट लुक्स लाइक. आई रियली रियली लव ओवर साइज टी शर्ट्स गाइस. आई एम सो एक्साइटेड, आई एम नर्वस एट द सेम टाइम. सो लेट्स गो. मुझे तो ये कराना ही है, देखते कैसा जाता है और कैसा दिखता है एक्चुअली मैं. सो स्टे ट्यून्ड. So guys, I'm finally here. Wow, I'm so afraid what I'm gonna do today. It's like पता नहीं पापा मम्मी घर में एंटर होने भी देंगे या नहीं. So let's just see how it goes. Finally, I reached home. It's done and I'm about to reveal it. I don't know how it's gonna look like. Let me know in the comment section below how it's looking. So this is how it looks like. Let me just show you guys. Can you guys see? This is how it looks like. I love, love, love septum piercings. I really wanted to do it since so long. Like, I was so afraid ki kaisa lagega mujh pe and mere face pe. And it was just an amazing experience, guys. I was so worried. Jaise hi main ghar mein aayi, mujhe aisa laga mom dad bahut zyada gussa hone wale hai. But itna zyada gussa nahi hua. They are like, kya kara liya? Ye bahut ganda lag raha hai. Bilkul achha nahi lag raha hai. They are like, oh, it's my birthday and they are like nahi acha lag raha hai. But I really wanted to do this. I really wanted to suggest you all ki agar kuch life mein karna hai to please karwa lo. Regret hoga, acha lagega. You will just learn from that. You gonna learn from it ki kaisa hoga experience. And it's a one time experience and aisa kuch bhi nahi ki zyada pain hua. I'm gonna attach the video how I got it done. Another thing, I got it done. Let me just show you guys how it is. Like, I was so excited for this. This is how it looks like, guys. Can you guys see?
इज इट विजिबल? सो दिस इज द लीब्रा एंड देन देर इज अ ईविल आई एंड देर इज अ क्यूट लिटिल टाटू, दैट्स अ मिनिमल टाटू. आई वॉन्टेड टू यू नो वॉन्टेड टू डू दिस इन सो लॉन्ग ऑल्सो. इट्स लाइक आई लव टाटूज एंड पियर्सिंग. आई इट इंस्टेंटली यू नो गिव्स मी द हैप्पीनेस. लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे टैटू करा के. आई लव आई वॉन्टेड टू हैव फिंगर टैटूज, लाइक ऑल द 8 टैटूज डन. बट समहाउ मैंने सोचा कि सारे नहीं कराती हूँ, पहले 2-3 करा के देखती हूँ. बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिंगर टैटूज बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गेट इट डन. सो मैंने सिर्फ 3 ही कराए अभी एंड दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू डू. एंड मैंने 3rd फिंगर एक्चुअली फ्री रखी है बिकॉज आई वॉन्ट अ बिगर डिजाइन ऑन दैट. Earlier I got a microdermal piercing over here. This is the point over here, but I got it removed after few months, like after 8 months, because neck piece nahi pehen sakte and sweaters nahi pehen sakte. And that time it was winter aur mujhe itni thand lag rahi thi ki mujhe high neck sweaters pehenne the. It was an amazing experience guys. Wo bilkul pain nahi hua tha, literally it was looking so good. I'm attaching a picture over here so you guys can see how it looks onto it. And I love tattoos. Like already have 3 tattoos on my body. If you guys know and if you guys follow me on Instagram, you probably know that I love tattoos. This is what the surprise was, guys. I really, really went crazy. And let me know in the comment section below. Hope you guys like it. Guys, there's a giveaway at the end of the video. So don't forget to participate. It's my birthday giveaway. Follow me on Instagram. Subscribe to my YouTube channel. And tag your 3 friends on my latest Instagram post. Also, you can say hi to my Instagram DMs. We gonna chit-chat a lot. And this is my very first vlog. Mujhe bahut tension ho raha hai. Kaisa raha? So don't forget to comment on my post. Guys... Bye, Munchkins. So this is what the giveaway looks like. These are the travel kits from the Face Shop India. That's a Korean skincare brand, and I really love that brand. These are the small travel kits. It's a brightening kit. The second is the Shea Seed, and another is the Dr. Belmure range. It's really amazing. So don't forget to participate, guys, and follow all the rules. I will be explaining in description box below.